ये तो दोस्तों आज हम देखते हैं एलसीएस का टॉप डाउन अप्रोच। तो जैसा कि हमने फिबोनाकी और नैपसैक 01 में देखा था टॉप डाउन के टाइम पे कि पहले हम एरे को बनाते थे उनका डायमेंशन लेके, ठीक है। तो ये डायमेंशन हमें उस एरे का कैसे पता चलता था, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था एलसीएस 44 अगर कॉल करेंगे तो इससे हमारा मैक्सिमम टेबल साइज कितना चाहिए होगा ऐसे प्रोग्राम को फिल करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये वाला जो है, जो कि हमारा स्ट्रिंग वन का लेंथ डिनोट कर रहा है, ये मैक्सिमम कितना वैल्यू ले सकता है, 43210, ठीक है। सिमिलरली ये भी हमारा ये 5 वैल्यू लेगा। अगर इस वैल्यू को मैं रो में स्टोर करता हूँ, इसको एक कॉलम में लेता हूँ, तो टोटल मुझे 5 रो चाहिए और 5 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो टॉप डाउन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे एलसीएस, ठीक है। उसका साइज बनाएंगे 5 5, इसे आप ग्लोबल कर लो, आपका प्रोग्राम बनाने में फिर इजी होगा। ग्लोबल बना लो या मैन मेथड में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसके सारे आइटम को इनिशियलाइज कर दो -1 से। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि जब हम टॉप डाउन का फंक्शन कॉलिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि चेक करना होगा कि इस वैल्यू को मैंने पहले कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। और ये -1 हमारा एज ए फ्लैग काम करेगा। अगर ये -1 है मतलब मैंने इसे एडिट नहीं किया है, ठीक है। अगर ये -1 छोड़ के कोई और वैल्यू है मतलब मैंने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये -1 एज ए फ्लैग हमारा काम करेगा। तो सबसे पहले ये एरे बनाइए, इस एरे को इनिशियलाइज कर दीजिए मेरे -1 से, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये मेरा एक एरे है एलसीएस, और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये हमारा 5 5 का एक एरे है डायमेंशन, ठीक है। अब हम लिखते हैं टॉप डाउन का प्रोग्राम। इसके पैरामीटर क्या क्या होंगे, पहला तो होगा हमारा पहला वाला स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा होगा दूसरा वाला स्ट्रिंग, ठीक है। तीसरा क्या होगा, पहले वाले स्ट्रिंग का लेंथ इंट L1। चौथा क्या होगा, इंट L2 दूसरे वाले स्ट्रिंग का लेंथ। और अब हम इसे लिखते हैं अंदर का फंक्शन, ये काम क्या करेगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करेगा, उस टेबल में चेक करेगा कि मैंने उसे अपडेट किया है कि नहीं। तो इसके लिए हमें कैसा लॉजिक लिखना होगा वो देखते हैं। इफ एलसीएस ऑफ L1 L2 इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसे अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा एलसीएस ऑफ, ये छोटा वाला एलसीएस, ठीक है, एलसीएस ऑफ L1 L2, ठीक है। ये तो हो गया कि जब मैंने इसे कैलकुलेट कर रखा है पहले से, सबसे पहले ये टेबल में चेक करेगा। फिर हमारा दूसरा कंडीशन क्या होता था कि मान लीजिए दोनों स्ट्रिंग का लेंथ अगर 0 हो गया है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक स्ट्रिंग का लेंथ 0 हो गया या दोनों का ही लेंथ 0 हो गया, तो वहां पे हम सबसे पहले क्या करते थे रिकर्सिव प्रोग्राम में कि वहां से रिटर्न करते थे 0। लेकिन चूंकि ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें पहले उसको हम सेव करेंगे एक एरे में, ठीक है। फिर उसके बाद रिटर्न करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएस ऑफ L1 L2 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम एलसीएस ऑफ L1 L2। और हमारा फिर तीसरा कंडीशन क्या था कि दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल आता है, ठीक है,
और मैं बार बार इफ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न रिटर्न कर रहा हूँ, तो हमें else if लिखने का जरूरत नहीं है, इफ से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर दोनों कैरेक्टर इक्वल होता है, str1 l1 माइनस 1 इज इक्वल टू str2 l2 माइनस 1, अगर ऐसा होता है तब हम क्या करेंगे, ये देखिए, तब हम 1 प्लस सेम एलसीएस फंक्शन चलाएंगे। ठीक है, str1 str2, लेकिन अब दोनों लेंथ, दोनों स्ट्रिंग का हम लेंथ को एक रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और इसका जो आउटपुट आएगा उसे मैं डालूंगा एलसीएस ऑफ l1 l2 में, और उसके नेक्स्ट स्टेप में मैं रिटर्न करूंगा ये वाला वैल्यू। ठीक है, एलसीएस ऑफ l1 l2, और अगर इन सब में से हमारा कुछ नहीं होता है, कोई भी नहीं लगेगा, मतलब इसका हमें फिर दोनों कैरेक्टर भी इक्वल नहीं है, तो अब हम क्या करते थे रिकर्सिव फंक्शन में, दोनों स्ट्रिंग को एक बार पहले वाले स्ट्रिंग का रिड्यूस करते थे, दूसरे बार दूसरे वाले स्ट्रिंग का रिड्यूस करते थे। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए ये ए बी सी डी था और दूसरा डी ई एफ जी है हमारा स्ट्रिंग, तो डी ई एफ जी दोनों अगर इक्वल नहीं था तो हम क्या करते थे, एक बार एलसीएस चलाते थे ए बी सी डी कॉमा डी ई एफ। ठीक है, और दूसरे बार हम एलसीएस चलाते थे ए बी सी कॉमा डी ई एफ जी, और इन दोनों में से जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देता था उसे हम रिटर्न करते थे। ये तीन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब हमारा कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, ये वाला काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए अब इसे लिखते हैं एल्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, मैक्स ऑफ एलसीएस str1 str2 L1 माइनस 1 कॉमा L2 और LCS ऑफ str1 str2 L1 L2 माइनस 1। ठीक है, और इन दोनों का जो मैक्स आएगा रिटर्न होगा, इसे मैं सेव करूंगा LCS L1 L2 में। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला वैल्यू को L1 L2 को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये हमारा अब रिटर्न कर देगा। तो ये रहा हमारा LCS का टॉप डाउन प्रोग्राम। तो हमने क्या नोटिस किया, इसमें रिकर्सिव प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, रिकर्सिव प्रोग्राम सिर्फ रिटर्न करता था, लेकिन टॉप डाउन प्रोग्राम हमारा पहले एरे में स्टोर करेगा, फिर उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। और ऐसा ये इसलिए करेगा ताकि जो हमारे रिपीटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं ना, एक बार अगर उसे कैलकुलेट कर लिया तो बार बार उसे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट वही एरे से ही उठा लेगा। ठीक है, और हमारा जो ट्री ग्रो होने वाला था वो ग्रो नहीं होगा। मान लीजिए क्या हो रहा था हमारा, जैसे एलसीएस ऑफ 4,4 था, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये दो ट्री बनाएगा, फिर एलसीएस ऑफ 3,4 और एलसीएस ऑफ 4,3। मान लीजिए कहीं पे मैंने इसका पहले अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है तो दोबारा मान लीजिए अगर इधर ग्रो होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक्चुअल में ये इधर आएगा नहीं, ठीक है, मान लीजिए अगर ये इधर आएगा तो ये खुद में एक कितना बड़ा ट्री बनाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे पहले कैलकुलेट कर लूँ तो ये मेरा दोबारा जो ट्री है वो ग्रो नहीं होगा, वो टोटल ट्री ग्रो होने का टाइम हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा फायदा होता है उस वैल्यू को स्टोर करने से, जैसे कि हमने लास्ट में उसमें भी देखा था फिबोनैकी इंट्रोडक्शन जो मैंने बनाया था, जिसमें फिबोनैकी को बताया था मैंने, तो उसमें देख लीजिएगा एक बार अगर ये वाला आपको दिक्कत आता होगा तो यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें टॉप डाउन से इम्प्रूवमेंट क्या क्या होता है। ठीक है, पहले जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ करता था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
वो कितना था, 2 to the power n, और n वहां पे क्या था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और अब ये कितना रिड्यूस हो गया, ये देखिए अब इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें टोटल टाइम जो लग रहा है, हमारा जो एरे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये वाला हमने एरे क्रिएट किया है, ये वाला एरे फिल करने में, और ये वाला एरे फिल करने में इसे ये सब चीज यूज करना पड़ता है, जैसे ये वाला फंक्शन यूज करेगा ये, ठीक है। तो जितना उसे टाइम लग रहा है वो इस एरे को भरने में, उतना टोटल टाइम लग रहा है इस प्रोग्राम को चलने में। तो टोटल इम्प्रूवमेंट कितना हुआ हमारा, पहले था 2 to the power n, तो अभी हमारा होगा ऑर्डर ऑफ n1 इंटू n2, वेर n1 इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग 1 एंड n2 इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग 2, ठीक है। और हाँ, एक हमारा इसका डिमेरिट ये है कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो जाएगा, हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारा ये LCS का हमने जो एरे बनाया है उसके लिए यूज हो रहा है। लेकिन ये जो स्पेस यूज हो रहा है, ये इन कंपेयर टू डिस मेमोरी कुछ भी नहीं है, आप भी समझ रहे होगे ये बात, ठीक है। जैसे अगर 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 हमारा एन ये चला जाता है 100 to 100, तो हम उसे कैलकुलेट नॉर्मल कंप्यूटर से कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल सेट से मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2 to the power 100 सेट से हमारा सुपर कंप्यूटर भी अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता है, जहाँ तक मैंने कहीं पढ़ा था, मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा है। तो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर कहाँ से उसे कैलकुलेट करेगा, लेकिन ये टू टू दी, लेकिन जब हम टॉप डाउन चलाएंगे एन इक्वल टू 100 वाले स्ट्रिंग पे, तो ये हमारा कैलकुलेट करके दे देगा। और ये टोटल कितना डायमेंशन का एरे जनरेट करेगा, 100 into 100, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा हमारा, लेकिन प्रोग्राम तो हमारा रन हो रहा है ना, एटलीस्ट नॉर्मल रिकर्सिव प्रोग्राम तो हमारा आंसर ही नहीं देगा। चलिए, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट में लाऊंगा LCS का बॉटम अप।